विधायकों के बेटियां नूं नौकरी देने उते कांग्रेस विच कमज़ान प्रगट सिंह दे कैप्टन अमरिंदर सिंह तो सवाल किस पैरामीटर उते दित्ती जा रही नौकरी कुलबीर सिंह जीरा ने भी लाइव होके फैसला वापस लैण लई कहा। साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल SIT अगे होणगे पेश 22 जून नूं पुछगिछ दे लई चंडीगढ़ विच होणगे उपलब्ध। कोटकपूरा गोलीकांड मामले की जांच कर रही SIT ने प्रकाश सिंह बादल नूं भेजा सी समन। आम आदमी पार्टी विच शामिल हो सकते कुंवर विजय प्रताप सोमवार नूं अमृतसर आउणगे। दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ते कुंवर विजय प्रताप ने हले नहीं कीती पुष्टि। दिल्ली विच 28 जून तक वधियां रियायतां। सोमवार तो बार पब्लिक पार्क ते गार्डन भी खुलणगे। 50% समर्था नाल बार रात 10 बजे तक खुलण की इजाजत। ओंटारियो की कैबिनेट विच 3 होर पंजाबी किए गए शामिल। भारती कैनेडियाई प्रमित सरकारिया खजाना बोर्ड के मुखी बने। परमगिल ते नैना टांगरी नूं भी मंत्रिमंडल विच दित्ती गई थां। गुड मॉर्निंग पंजाबियो, ABP साझा वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज पंजाब की सियासत तो करते हैं। पंजाब कांग्रेस के 2 विधायकों के बेटियां नूं नौकरी दिते जाण दे मामले उत्ते हुण पंजाब कांग्रेस विच घमसान मच गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह विरोधियों तो बाद हुण अपणियां वल्लों भी घेरे जा रहे ने। प्रगट सिंह ते कुलबीर सिंह जीरा ने भी हुण इस फैसले उत्ते एतराज़ जताया है। प्रगट सिंह ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आखिर किस पैरामीटर उत्ते ये नौकरियां दित्तियां ने। ते उधर सोमवार नूं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अमृतसर आ रहे ने, पर वड्डी गल ये है कि इस दौरान कुंवर विजय प्रताप सिंह आम आदमी पार्टी विच शामिल हो सकते ने। अपने विधायकों के बेटिया नूं अफसर बना के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सूते घिर गए ने। विरोधी धरां दे नाल नाल पार्टी अंदरों भी विरोध होने लगे है। पंजाब कांग्रेस के विधायक प्रगट सिंह ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस फैसले उत्ते सवाल खड़े किए ने। उन्होंने कहा कि अजिहियां नौकरी दे के कैप्टन अमरिंदर सिंह की साबित करना चाहते हैं। तो उधर विधायक कुलबीर सिंह जीरा ने भी इस फैसले खिलाफ आवाज चुकी है। विधायक जीरा ने फेसबुक ते लाइव होके कहा कि मैं पंजाब सरकार नूं बेनती करता हाँ कि वह इस फैसले नूं वापस लवे। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਈਵਨ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਰੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 450 ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 10,000 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਟਾ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨਸ ਬੜੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 4 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ MLA ਫਲੈਟ ਤੇ SIT ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ SIT ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SIT ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। आम आदमी पार्टी के मुखी ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 21 जून नूं पंजाब आ रहे ने। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि पंजाब बदलाव चाहुंदा है ते सिर्फ आम आदमी पार्टी ही उन्हां दी उम्मीद है। अमृतसर मिलदे आ। विधानसभा चोणां तों पहलां उन्हां दी इह फेरी काफी अहमियत रखदी है। इस दे नाल ही कहा जा रहा है कि इस दौरान सोमवार नूं आम आदमी पार्टी विच कोई वड्डा चेहरा शामिल हो सकदा है। सूत्रां मुताबक इह चेहरा साबका पुलिस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह हो सकदे ने। हालांकि हले तक कुंवर विजय प्रताप सिंह ते आम आदमी पार्टी वल्लों इस गल दी ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
देखो ये सच्चाई तो कोई उस चीज़ की गल नहीं है, जो जिस पार्टी के भी शामिल होना होगा असी ठोक के तो उन्हें बोल देवे, बुला के कहेंगे जी, ठीक है ना जी, तो जो भी इस तरह का मन बनेगा मैं थोनों दस दूँगा जी। देखो इस वेले इस दे उत्ते टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि तुसी देख रहे हो दो महीने तो की चल रहा है, खासकर दिल्ली दे विच की चल रहा है, ठीक है कि नहीं। रूलिंग पार्टी दे MLA उत्थे बुलाए जाते हैं, ये सारा कुछ हो रहा है, तो मैं उदे उत्ते उन्हां दा जो उन्हां दी अपनी कार्य प्रणाली है मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा हाँ, ठीक है। मेरा तो यही फोकस है कि मैं मानयोग चीफ मिनिस्टर साहब के नाल एक बार मुलाकात करना चाहूँगा हाँ, जो सारा हो जाएगा मैं चाहूँगा हाँ कि सुप्रीम कोर्ट के अपील किया जाए जो ऑर्डर आया है, क्योंकि वो ऑर्डर गैर संवैधानिक ऑर्डर है, जो साढ़े लीगल एक्सपर्ट्स ने जो स्टडी की है वो उसनों चैलेंज करना है। मानयोग CM साहब ने भी जनतक तौर पर अपने इंटरव्यू के किया है कि उसनों चैलेंज करना है, तो मैं उस संबंध में एक बार मुलाकात कराँगा, बेनती कराँगा, तो उन्होंने चैलेंज करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो बाकी कोई गलबात होगी तो मैं तुहानू दस दूंगा जी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 22 जून नू खड़गे कमेटी सामने दोबारा पेश होंगे, पार्टी प्रधान सोनिया गांधी दे नाल भी इस दौरान वो मुलाकात कर सकते ने। कांग्रेस हाईकमान वालों पंजाब कांग्रेस दे आपसी क्लेश नू खत्म करन दे लई 3 मैंबरी कमेटी बनाई गई सी। राहुल गांधी पंजाब कांग्रेस विवाद उत्ते नेड़े नजर रख रहे ने, ते पिछले एक हफ्ते विच उन्हां कमेटी दे मैंबर मल्लिका अर्जुन खड़गे, JP अग्रवाल, हरीश रावत नाल दो बार मुलाकात कीती है ते अपने सुझाव दित्ते ने। इस तों पहलां जून दे पहले हफ्ते कैप्टन ने इस कमेटी दे सामने अपना पक्ष 3 घंटे पेश किया सी। कमेटी तों पहलां मल्लिका अर्जुन खड़गे की अगवाई वाली कमेटी ने विधानसभा चोणां विच हारन वाले सारे मंत्रियों, विधायकों, उम्मीदवारों, संसद मैंबरों नूं एक एक करके मिलण तों बाद सोनिया गांधी नूं अपनी रिपोर्ट सौंप दित्ती सी। हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह 22 जून नूं एक बार मुड़ तों इस कमेटी दे सामने पेश होणगे। मानसा दे पिंड ख्याला विच विधायक नाजर सिंह मानसाईया दा भारतीय किसान यूनियन वल्लों घिराओ करके रोस प्रदर्शन कीता गया। विधायक पंचायत वल्लों रखे गए एक प्रोग्राम विच शिरकत करन दे लई पहुंचे सी, पर इस दौरान किसानां ने इकट्ठे हो के उन्हां दा विरोध कीता ते उन्हां खिलाफ नारेबाजी कीती गई, ते किसानां दे रोस प्रदर्शन नूं वेखदे होए विधायक प्रोग्राम तों पहलां ही उत्थों वापस चले गए। सिंगू बॉर्डर ते चल रहे किसान आंदोलन लई हुण अगलेरी रणनीति उलीकी गई है। संयुक्त किसान मोर्चे वालों फैसला किया गया है कि 26 तरीक नूं खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ नां दे नाल राज्यपालां नूं मंग पत्र सौंप के राष्ट्रपति दो 3 खेती कानूनां नूं रद्द करवाउण दी मांग की जाएगी। इस दे नाल ही टिकरी बॉर्डर उत्ते हुई घटना उत्ते दुख जताउंदे होए किसान मोर्चे ने कहा कि यह BJP IT सैल साडे आंदोलन नूं बदनाम करन दा काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि टिकरी कमेटी ते लीगल सैल ने जिला प्रशासन नूं इस केस की गहराई नाल जांच करन दी अपील की है, ते नाल ही किसान मोर्चे ने यह भी दावा किया कि गिरफ्तार किसानां दा मृतक दे नाल कोई संबंध नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों एक पासे करोड़पति विधायकों के बेटियां नूं तरस के आधार उत्ते नौकरी दिती जा रही है, उधर मानसा जिले के पिंड मंडली के नौजवान रणजीत सिंह जिसके पिता हरभजन सिंह 1995 फौज के ऑपरेशन रक्षक के दौरान आतंकवादियों के नाल लोहा लेंदे हुए कश्मीर विच शहीद हो गए सी। रणजीत सिंह ने दस्सिया कि जदों उन्होंने पिता शहीद होए सी तां उह 3 साल दे सी, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਹਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਉਦਨਵਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਜਥੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਸਾਂ, 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਥਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਇਹ ਜਥਾ 150 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2000 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ।